तो अब देखिए आप कौन सा गाड़ी लेंगे, आप लोग को उसका ब्लॉग में ही दिखाएंगे। ये वाला घर भी खरीदूंगा। आइए वाला घर देखिए आप लोग, यही खरीदूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि मेरा 12 घंटा काम चल रहा था, इसीलिए मैं आप लोगों का मैसेज का जवाब और आप लोग कमेंट कर रहे थे उसका मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। तो आज संडे, आज छुट्टी था, मैं सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँ और आप लोग जिन जिन भाई ने आप कमेंट किया था उनको कमेंट का जवाब दे दूँ बोल के मैं और संदीप निकले हुए हैं घूमने। सोचिए कि घूमते हुए एक वीडियो बना लें और आप लोग को कुछ बताएं यहाँ के बारे में, और आप लोग भी आए तो सतर्क रहें। एक भाई ने मैसेज किया था कि सुलभकिया में ऑफर लेटर कितने दिन में आ जाता है और ऑफर लेटर आने के बाद वर्क परमिट कितने दिन में आता है, तो मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। और एक भाई ने कमेंट किया था कि मेडिकल पर वीडियो बनाओ, वो भी बात इस वीडियो में बोलने वाला हूँ। और एक भाई और कमेंट किया था कि स्टेलेंटिस में सैटरडे और संडे ओवर टाइम होता है कि नहीं और वहाँ पे बोनस मिलता है कि नहीं, सैलरी कितना आता है, ये सब बात मैं आप लोगों के आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहे और वीडियो की स्किप ना करें और हम बताएंगे, इंजॉय करेंगे उस सब का वीडियो आप लोग को दिखाएंगे। तो गाइज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बिठाइए और बने रहिए वीडियो में। एक भाई ने कमेंट किया था कि सुलभकिया में ऑफर लेटर कितने दिन में आ जाता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी कंपनी आपको ऑफर लेटर ही भेजे, कोई कोई कंपनी डायरेक्ट वर्क परमिट भी भेजती है और कोई कंपनी ऑफर लेटर भेजती है। तो कोई कंपनी ऑफर लेटर भेजती है तो वो ऑफर लेटर आने में 20 से 25 दिन लग जाता है मैक्सिमम, और एजेंसी के पास ही आएगी, डायरेक्ट आपके पास नहीं आएंगी, क्योंकि आप एजेंसी के थ्रू अप्लाई किए हैं तो एजेंसी के पास ही आएगी। और ऑफर लेटर आने के बाद आपका वर्क परमिट कितने दिन में आएगी, तो वर्क परमिट का टाइम रहता है 4 वीक टू 6 वीक तक के अंदर में आ जाएगी। और आपके और वर्क परमिट में बेसिक सैलरी, जैसे कि यहाँ का बेसिक वेज है जो 7 से 50 यूरो है, उससे कम आया बेसिक सैलरी तो आप समझिए कि वो ये वर्क परमिट कंपनी नहीं भेजी है और ये एजेंसी बनाया है खुद का, और वो आप अप्लाई करेंगे तो उसका वीसा नहीं लगेगा, वीसा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फिंगर देने जाएंगे सब कुछ होगा बट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ का बेसिक वेज जो है वो 7 से 50 है। तो गाइस हम लोग कॉलोनी में घूमने आए हैं, आप लोग देख ही सकते हैं कॉलोनी, और ये कॉलोनी कैसा है आप लोग कमेंट कीजिए बताइए। मुझे तो ये कॉलोनी बहुत अच्छा लगता है, मैं तो हफ्ते में एक बार यहाँ पे आना ही आना है। और ये कॉलोनी में आता हूँ थोड़ा दिमाग लगाता हूँ इधर प्राइस कितना चल रहा है, क्योंकि कॉलोनी भी लेना है या गाड़ी भी लेना है, क्योंकि लाइफ में दोनों ज़रूरी है और यूरोप में कमा रहे हैं तो दोनों चाहिए तो चाहिए। तो और मैं और संदीप दोनों मिल के जल्दी गाड़ी लेने वाले हैं, क्योंकि अभी लाइसेंस नहीं है इसीलिए अभी हम लोग नहीं ले रहे हैं, वो लाइसेंस कन्वर्ट करने के लिए अप्लाई किए हैं यूरोपियन लाइसेंस में, वो आएगा तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि मर्सिडीज लेना है, हम बोले कि सस्ता वाला ही गाड़ी ले लेंगे। अब तो अब देखिए अब कौन सा गाड़ी लेंगे, आप लोगों को उसका ब्लॉग में ही दिखाएंगे। ये वाला घर भी खरीदूंगा। आइए वाला घर देखिए आप लोग, यही खरीदूंगा। मैं तो खरीद नहीं पाऊंगा ऐसा घर, बट रेंट पे रह सकते हैं लोग, हम लोग लेके, तो उसके लिए रेंट पे रहने के लिए भी आपको पेपर बनवाना पड़ता है यहाँ पुलिस से, आपको डायरेक्ट यहाँ पे घर नहीं मिलेगा, उसके लिए 4-5 महीना लगता है प्रोसेसिंग टाइम, क्योंकि जो मेरा एजेंसी है ना अभी हम लोग अपार्टमेंट में हैं, तो वो उसको हम लोग बोले कि हम लोग घर में रहेंगे छोटा घर में, तो वो बोला कि ठीक है प्रोसेस में डाल दूंगा बोल के, तो हम लोग बोले कि क्या प्रोसेस में डालना है, तो बोल रहा है कि घर लेना है तो 4-5 महीना लग जाएगा, कि वो जैसे कि वो पुलिस का कुछ फॉर्म फिलअप करना पड़ता है लीगल रहने के लिए, जैसे कि घर में रह रहे हैं क्राइम हो गया तो किसके ऊपर जाएगा वो सब का, उसको सबके लिए वो सब करता है लोग। चलिए वो सब बात कोई नहीं, वो सब बात छोड़िए। तो एक भाई ने कमेंट किए थे कि सुलभकिया का मेडिकल पे वीडियो बनाइए। देखिए यहाँ का मेडिकल कोई टॉप नहीं है, नॉर्मल मेडिकल होता है। और ये मेडिकल सुलभकिया का मेडिकल के बारे में बताने से पहले मैं एक दिल्ली का बता दूँ, दिल्ली एम्बेसी में जो आप फिंगर देने जाते हैं तो मेडिकल मांगता है कि नहीं, तो वहाँ पे आपको मेडिकल नहीं मांगता है, वहाँ पर सिर्फ ट्रेवल इंश्योरेंस मांगता है, और आप ट्रेवल इंश्योरेंस करा सकते हैं, आपका एजेंसी करा देगा ट्रेवल इंश्योरेंस कराएंगे तो आपको 4-5 हज़ार रुपया लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। और
आप यहाँ पे आ रहे हैं किसी कंपनी में, तो आपका मेडिकल होगा, तो आपका मेडिकल सबसे पहले ब्लड टेस्ट होता है, ये तो कॉमन है, जहाँ भी जाएंगे तो ब्लड टेस्ट होगा ही होगा। फिर यहाँ पे आई टेस्ट होता है, ईयर टेस्ट होता है और यूरिन टेस्ट होता है। ये होने के बाद यहाँ पे एक सारा नहीं होता है, यहाँ पे ईसीजी होता है, तो ईसीजी भी नॉर्मल ही होता है, मेडिकल नॉर्मल है, मेडिकल के लिए कोई बड़ी बात नहीं। आप जैसे कि आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आने के बाद कुछ प्रॉब्लम आया आपके बॉडी में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी में, जिस कंपनी में आए वो कंपनी जैसे कि आपका मेडिकल टेस्ट में फेल कर दिया, तो आप दूसरे कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए टेंशन नहीं है। तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिए। एक भाई ने कमेंट किए थे कि स्टेलेंटिस में सैटरडे और संडे को ओवर टाइम होती है कि नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेलेंटिस में सैटरडे और संडे को ओवर टाइम नहीं होती। जैसे कि आपको नाइट शिफ्ट और मॉर्निंग शिफ्ट अभी चल रहा है, तो मॉर्निंग शिफ्ट में ड्यूटी 6 डेज होता है। जैसे कि आप सैटरडे को ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी बजा रहे हैं, तो आपको वो पैसा नहीं मिलेगा, आपको 13 सैलरी जो आता है ना यहाँ पे स्टेलेंटिस में, तो वो 13 सैलरी वही पैसा मिलता है। और पीएसए में बोनस कितना मिलता है, तो देखिए पीएसए में बोनस दो टाइप का है, एक परफॉर्मेंस बोनस है, एक वीआईपी बोनस है, और वीआईपी बोनस 150 यूरो है और परफॉर्मेंस बोनस 50 यूरो है। 50 यूरो है तो 50 यूरो नहीं देता है लोग, 40 यूरो देता है लोग। और वीआईपी बोनस 150 यूरो है, तो आप कितना दिन प्रजेंट हो रहे हैं, आप जैसे कि स्टेलेंटिस में काम कर रहे हैं, महीने में एक दिन अब्सेंट कर दिए, जैसे कि आपका वीआईपी बोनस नहीं मिलेगा, वो 0 कर देगा, 1 रुपया भी नहीं देगा। और परफॉर्मेंस बोनस 40 यूरो मिलेगा। दोस्तों हम लोग कॉलोनी घूम चुके हैं, अब कॉलोनी से निकल के इधर रिवर साइड में जा रहे हैं, क्योंकि रिवर के उस पार मेरे दोस्त लोग रहता है लोग, उन लोग आ रहा है लोग, मिलेंगे। फिर वो क्या करता है लगना, जब मिलता है लोग जब बियर ही पीना है यार, बियर पी के यार, एक होता है ना आदमी इरिटेट हो गया है बियर पी के, अब बियर क्या पिए, तब इसीलिए जा रहे हैं। तो आज बोलेंगे रेड लेवल आओ, हम लोग रेड लेवल पीएंगे। आखिर कल सुबह ड्यूटी है, मॉर्निंग शिफ्ट है, आप लोग देख सकते हैं कॉलोनी इधर ही था, ये जो डैम बना हुआ है इसके बगल में रिवर है, इधर बहुत जाना आता है लोग पार्टी करने, इंजॉय करने, और कपल लोग भी आता है लोग, आप लोग को पता ही होगा कपल लोग इसमें क्या करने आएंगे। और ये मेरा दोस्त पता नहीं उधर रुक के क्या कर रहा है। तो गाइज आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और वीडियो कैसा लगता है आप लोग बोलिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों ऐसा ही मेरे साथ बने रहिए। और आप लोग को सुलभके के बारे में ऐसा ही डेली व्लॉग की टाइप भी मैं आप लोगों को कुछ कुछ बताता रहूँगा, और मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, वो सब आप लोगों को दिखाता रहूँगा। बस गाइज आप लोगों का प्यार चाहिए, लव यू गाइज।